लकड़ी की अपनी फिशिंग बोट के तल में इकट्ठा पानी निकाल रहे ये हैं हरजीवा लोढारी। खड़े रहने पर भी पानी नाव में रसकर जमा हो जाता है। नावों की देखभाल करना उनका रोज सुबह और शाम का काम है। बढ़ती महंगाई और घटती मछलियों की पकड़ की वजह से उनकी 3 नावें बंद पड़ी हैं। 2 चल रही हैं और 2 उन्होंने कबाड़ में बेच दी। करीब 60 लोगों के संयुक्त परिवार में रहने वाले हरजीवा पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। वो मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। जब ट्रॉलर चालू करता है हम तो लेबर को 5-7 लाख रुपये देना पड़ता है, तब लेबर आएगा। सारा तन 4 लाख रुपया उनका डीजल भरना पड़ता है, आइस डालना पड़ेगा, नेट नया देना पड़ेगा, और पूरा 5-6 लाख रुपये हो जाता है बोट तैयार करने के लिए, फिशिंग जाने के लिए। पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, पूरा बंदर कर्जा में। अभी इलेक्शन आएगा तब आएगा हमारे साथ में, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आएगा बट कुछ नहीं करता है वो। कोविड, यूक्रेन संकट, सही दाम न मिल पाने आदि कारणों से पिछले कुछ सालों में मछुआरों के हालात खराब हुए हैं। हरजीवा लोढारी के नजदीकी वसंत हरजी भाई वैश्य 35 सालों से इस बिजनेस में हैं। वो अपनी 5 फिशिंग बोट कबाड़ में बेच चुके हैं। टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है और मछली का दाम नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या का कारण भी वही है। मेरा कर्जा करीब 1 करोड़ के ऊपर का है, मैं भर नहीं पा रहा हूँ, बोट छोड़ दिया। जो चाहे करे, क्या करे, इनसे तो अच्छा है जेल में खाना भी मिलेगा ना, यहाँ खाने के लिए भी मुताज है हम। वेरावल में मछुआरे सोना गिरवी रख रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि वो कोई और काम करें, और खर्च निकालने के लिए 50-50 लाख वाली नावें 2-2.5 लाख रुपए में कबाड़ में बेच रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ एक नाव है, उसे तोड़ा जा रहा है, और एक नाव को पूरी तरह तोड़ने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगता है। और हमें बताया गया है कि 2 वजहों से जो मछुआरे हैं वो अपनी नाव बेच रहे हैं। पहला कि जो नाव का वक्त ख़त्म हो चुका है, उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है, और दूसरी वजह ये है कि जो बिज़नेस है उसकी हालत ख़राब है, और मछुआरों के पास अपनी नाव को कबाड़ के तौर पर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मछुआरों की माने तो वेरावल में 800 नावों और ट्रॉलर्स के लिए बनी जगह में आज 5000 से ज़्यादा फिशिंग बोट्स खड़ी हैं, जिनमें से 25-30% बंद पड़ी हैं। 5-6 साल में सब खत्म हो गया, डीजल सब जगह का भाव, सब रेत का भाव बढ़ गया, लेकिन मच्छी का रेत नहीं बढ़ रहा। सुबह 130 रुपया रेत रहेगा रेबन फिश का, तो उसको पता चला कि वो तो फिशिंग बोट ज़्यादा ही है, तो सीधा 80 रुपया हो जाएगा। हम लोग इसकी भी सरकार को कंप्लेंट किया कि भाई ये लोग सिंडिकेट करके माछीमार को ख़त्म कर रहे हैं, आप उस पर रोक लगाए, तो उसका कोई जवाब नहीं आया कि माछीमार का प्रश्न सोल्व क्यों नहीं हो रहा। तो माछीमार की आवाज़ उठाने वाला अंदर कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मछुआरे ही खराब आर्थिक स्थिति की गिरफ्त में हैं। वेरावल में 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, हम उनमें से एक यूनिट में हैं। मेरे पीछे जो कैटल फिश है उनकी पैकिंग का काम हो रहा है, उन्हें अलग अलग पैक्स में पैक किया जा रहा है। जो मरीन इंडस्ट्री है उन्हें कई चुनौतियों का सामना है, और ये जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो उससे अछूते नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक गुजरात का 60% कैच चीन को जाता है, लेकिन चाहे चीन की जीरो कोविड नीति हो या फिर यूक्रेन संकट से जूझती यूरोपीय अर्थव्यवस्था, वहां के आर्थिक हालात का सीधा असर वेरावल के उद्योग और मछुआरों पर पड़ रहा है। पिछले 3 सालों से सर इंडस्ट्रीज बहुत घाटे में चल रही है, कि ये कोरोना की वजह से, और बाकी का क्या है कि अभी समंदर से मछली भी बहुत कम आ रही है। यूरोप का बिजनेस अभी पूरा ठप ही पड़ा हुआ है, यूरोप में और US में अभी मंदी की वजह से यहाँ पे माल बहुत कम जा रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्टरों के पास बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है, उससे भी पूरी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे में मछुआरे और उद्योग सरकारी मदद की बात कर रहे हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है अभी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज गॉट सम चेंजेस करें अभी भी, बट आई थिंक इट्स देयर इज मोर चेंज रिक्वायर्ड देयर,
कि उसका दायरा भी फिशरमैन के लिए और बढ़ाया जाए। कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हर साल में 2-3 ट्रिप्स ऐसी होती है जहाँ पर हमारी फ़िशिंग कंप्लीट नहीं होती और फिशरमैन वापस आ जाते हैं, बट फिशिंग ग्राउंड तक जाना, वहाँ से वापस आना, वो तो कॉस्ट वैसे कि वैसा रहता है। सो ये सारी इम्पैक्ट्स हुई है। तो आई थिंक इवन इंश्योरेंस वाला जो एंगल है, देयर हैज टू बी सम मेथड व्हिच हैज टू बी फाउंड। उद्योग बचाने के लिए इससे जुड़े लोग चाहते हैं कि छोटी मछलियों के पकड़ने पर रोक लगे ताकि मछलियों की संख्या कम न हो। राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्षी कांग्रेस जहां किसानों को आर्थिक सहायता का भरोसा दिला रही है, भाजपा का दावा है कि उसने मछुआरों के लिए बहुत काम किया है। थोड़े दिन पहले ही, मतलब हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई जब जूनागढ़ आए थे तो पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ही 2,286 करोड़ का प्रावधान ओनली फॉर वेरावल पोर्ट के लिए किया है। ऐसे तो हमारे गीर सोमनाथ में ऐसे 8 पोर्ट है, एक नवा बंदर जो पोर्ट है उनका तो ऑलरेडी काम चालू हो गया है, वो पिछली सरकार ने उसका काम भूमि पूजन किया था। और नरेंद्र भाई ने ऐसे 6 पोर्ट है, कोडिनार विधानसभा में भी आते हैं, ऊना विधानसभा में भी आते हैं, तलाला विधानसभा में भी आते हैं और सोमनाथ विधानसभा में आते हैं। उन सब का भूमि पूजन अभी थोड़े दिन पहले ही किया है, तो डेवलपमेंट अभी फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। मछुआरे बताते हैं कि समुद्र से मछलियों की पकड़ कम हो रही है, इसलिए रोजी रोटी के लिए उन्हें जान जोखिम में डालकर कई 100 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, बदलते मौसम और संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच कर्ज में डूबे मछुआरों को भविष्य की चिंता सता रही है।